डिस्कस कैसे शुरू किया आपने? चक्का जो होता है ना, वो भी उसी दिन बताया। हाँ, मेरी पास। अच्छा, दौड़ में भी फर्स्ट चीज करिए, तीन हुआ मैं फर्स्ट ये तीन मॉडल में। हाँ जी, बहुत क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे साथ विकास जागर भी है एंड ही इज अ वर्ल्ड लेवल एथलीट। बताएं विकास जी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अपने बारे में भी बताएं प्लीज। सर, सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। मंच पर उपस्थित हमारे चीफ गेस्ट सर विजयपाल सर और दूर दूर से आए हमारे सभी खिलाड़ी, मेरे बड़े मेरे छोटे सभी को मेरा प्रणाम। जहाँ तक इनके सफ़र की बात है सर, एक्चुअली मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। 2 साल पहले मेरे दिमाग में कुछ आया था कि हाँ, इनकी 90 साल के बाद जो एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है किसी भी इंसान का, उसके हिसाब से मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं ये स्पोर्ट्स में कम्पीट कर सकती हैं। लेकिन फिर बीच में 2 साल कोरोना आ गया, तो दिसंबर 2021 के आसपास की बात है जो इन्होंने एग्जाम्पल बताया। उससे 15 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था कि शाम को मेरी गाड़ी में वो छोटा शॉटपुट पड़ा था बच्चों का, 2.25 किलो का था, इनका 2 kg का होता है। तो रात को मैं वैसे ही घर पहुंचा 8 बजे, तो मैं सीधा चला गया, तो 8:30-9 बजे के आसपास सो जाती हैं, सुबह जल्दी उठती हैं। तो मैंने वैसे ही थोड़ा सा नींद में थी, तो मैंने इनको बोला मैं दादी एक बार पकड़ के देखियो। तो ये नींद में थी तो इन्होंने ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया, बोली ये मेरे 8 खापड़े मेरे सामने मत लाया अगर तू। तो अगले दिन सुबह सुबह मैं सो रहा था, 5:30 बजे ये उठ के जैसे ही उठती है तो मेरे को उठाया इन्होंने और बोला वो तू शाम को दिखा रहा था वो कहाँ है। तो मैंने मगा क्या करोगी, बोला मैं देख रही हूँ एक बार फेंक सकती हूँ या नहीं फेंक सकती हूँ। तो एक तो वो इंसिडेंट था कि कोई इंसान जब सुबह 5:30 बजे आके उसको मांग रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ इच्छा शक्ति है। और जब मैं कई बार मेडल जीत के लाता था तो उन मेडलों को भी कई बार देखती थी, तो कहीं ना कहीं कई चीज़ें मिक्सअप हो गए। हमारे दिमाग में यही आया कि शायद इनका मन है स्पोर्ट्स के मैदान में जाने का, और पता नहीं कहीं हो सकता है बचपन में, क्योंकि हमारी दादी जी की फैमिली का जो पुराना बैकग्राउंड है वो भी बहुत स्ट्रगल बना रहा है, क्योंकि 27-28 साल की थी जब मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे। तो उसके 4 साल बाद मेरी एक बुआ जी थी वो भी एक्सपायर हो गई थी, अकेले मेरे पापा बचे थे। तो हमें लगा था कि कहीं उस स्ट्रगल्स में इनका स्पोर्ट्स कैरियर शायद कहीं गुम हो गया था, तो हमें इनको लेके जाना चाहिए। चैलेंजेस बहुत थे, बाईपास सर्जरी हो रखी है इनकी 2007 में, 15 साल पहले, तो हमारे लिए एक वो भी इशू था। लेकिन फिर भी पूरे परिवार ने बैठ के डिसीजन लिया कि अगर इनकी इच्छा शक्ति है। इन्होंने एक बात और कही जिन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया, मगर दादी जी इस उम्र में कहीं बाहर जाएंगे कुछ हो गया तो इनका एक ही जवाब था कि भला मेरी उम्र पूरी हो रही है, बाहर कुछ हो जाए तो मेरे को इंडिया जरूर ले आइयो, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जब इतनी बात इन्होंने कही तो फिर हमारा भी फर्ज बनता था कि चलो ठीक है रिस्क लिया जाए। तो वो एक रिस्क बस हेल्थ का रिस्क था, बाकी इनके जज्बे को मैं नमन करता हूँ। धीरे धीरे जर्नी बढ़ी, स्टेट में 3 गोल्ड मेडल लिए, फिर नेशनल में चेन्नई में गई वहाँ पे 3 गोल्ड मेडल लिए, और यहाँ पे 24.74 सेकंड का 100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड बना के वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल लेना मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है, और मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं इनका होता। भारत माता की।